मैं सुनील उपाध्याय, आगरा प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन के संस्थापक। आज हम लोगों ने हेलमेट लगाओ अटल अभियान के तहत अपने शिक्षण संस्थाओं में हेलमेट बच्चों को पहनने के लिए कंपलसरी किया जा रहा है। हमारे एसोसिएशन में लगभग 400 शिक्षण संस्थाएं आते हैं। इन सभी शिक्षण संस्थाओं ने आज एक साथ यह निर्णय लिया है कि जो बच्चे हेलमेट पहन के नहीं आएंगे, हम उन्हें नहीं पढ़ाएंगे और उनके पेरेंट्स से अनुरोध करेंगे कि वो बच्चों को किताबों के साथ साथ हेलमेट भी पहनवाएं और भेजें। इस सबसे पहले हमारे शिक्षक खुद हेलमेट पहनेंगे और बच्चों के सामने इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा अगर कोई बच्चा हेलमेट के साथ नहीं आता है तो हम उसे तब तक अपनी शिक्षण संस्था में नहीं बैठने देंगे जब तक उसके पास हेलमेट नहीं होता। साथ साथ जरूरत पड़ने पर हम सभी शिक्षक बच्चों को ज्ञान के साथ साथ हेलमेट का वितरण भी करेंगे। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं क्योंकि हमारा मानना है अभी हमारे साथ लगभग 400 शिक्षण संस्थाएँ हमारे साथ हैं जिनमें ज़्यादातर कोचिंग सेंटर्स हैं जो आगरा की चलाई जाती हैं। दरअसल इसका नाम हमने अटल अभियान इसलिए रखा है क्योंकि हमारा मानना है महापुरुष की वास्तविक श्रद्धांजलि उसके नाम से कोई एक बेहतर काम करके दी जा सकती है। इसीलिए हमने इसका नाम अटल अभियान रखा है जिससे हम माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को सही मायने में श्रद्धांजलि दे पाएँ। मोहित दीक्षित, मैं इस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। पिछले 4 साल से ये संस्था चल रही है और इस संस्था के माध्यम से हम शिक्षकों की समस्याओं के प्रति कार्य कर रहे हैं, साथ ही साथ समाज में जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं। समाज में जितने भी ऐसे कार्य हैं जिसमें गरीब बस्तियों में जाके स्कूल बैग का वितरण, शिक्षण सामग्री का वितरण, इसके साथ साथ हमारे कोचिंग सेंटर्स पर जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको इस मुहिम के अनुसार हम लोग ये जागरूक करना चाहते हैं क्योंकि ज़्यादातर एक्सीडेंट बिना हेलमेट पहन के होते हैं और बच्चे बहुत तेज़ बाइक चलाते हैं, तो कम से कम उनकी सुरक्षा बनी रहे, बच्चों को जागरूक करें और उनके पेरेंट्स को भी अवेयर करें कि वो बच्चे को बिना हेलमेट के कोचिंग पढ़ने, स्कूल पढ़ने न भेजें। इसके माध्यम से आज ये कार्यक्रम रखा गया है। लगातार सालों से हेलमेट लगाने के लिए अभियान चलते रहे लेकिन उसके बाद भी अभियान चलाने की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि अपनी सुरक्षा के लिए भी हम लोगों को ये बताना पड़ रहा है क्योंकि न पेरेंट्स जागरूक है, न समाज जागरूक है और शिक्षक होने के नाते समाज में जागरूकता पैदा करना ये शिक्षकों का कार्य है। अभी हमारा प्रयास ये है कि हम स्कूलों में भी जाएंगे और स्कूलों में भी स्कूल के प्रबंधक और प्रिंसिपल के माध्यम से बच्चों में ये संदेश भेजने का प्रयास करेंगे कि वो भी यदि स्कूल में बच्चा हेलमेट पहन के नहीं आता है तो उसको विद्यालय में प्रवेश न दिया जाए। नहीं, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, बिना लाइसेंस के नहीं चलाना चाहिए व्हीकल। बिल्कुल नहीं, अभी तो ये तो चक्कर ये है कि स्कूल में भी जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने व्हीकल से आते हैं, तो कम से कम व्हीकल से आ रहे हैं सुरक्षित रहें। मान लिया स्कूटर चला भी रहा है 17 साल का बच्चा, तो कम से कम सुरक्षित तो रहे।